मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। वो एक प्रश्न है, वो कब्जियत से जुड़ा हुआ है। वो ये कहते हैं कि जल्दी से संडास उतरती नहीं है, क्या करें, रात को त्रिफला चूर्ण खा के सो जाइए, नहीं तो दूध में घी मिलाकर पी लीजिए, ये सबसे अच्छा है। दूध में घी मिलाकर रात को सोने से पहले पिए तो सवेरे संडास बहुत आसानी से उतरती है और सबसे कम समय में पेट साफ होता, नहीं तो त्रिफला भी ले सकते 3 महीने। देखिए, एक नियम हमेशा याद रखिए जो मैं बार बार कह, लगातार कोई भी दवा आयुर्वेद की 3 महीने से ज्यादा मत खाइए, और अगर जरूरत पड़ रही है तो थोड़े दिन ब्रेक दे दीजिए, 15 दिन का 10 दिन का 20 दिन का ब्रेक के बाद फिर अगले 3 महीने ले सकते हैं, फिर ब्रेक दे दीजिए फिर। ये नियम बहुत जरूरी है, नहीं तो तकलीफ बहुत दूसरी भी हो सकती। पीठ की हड्डी में दर्द है, चूना खाइए। बच्चों को खांसी की एलर्जी अगर है तो नियमित रूप से, मैंने कहा ना, ऐसी चीजें दीजिए, कफनाशक है, सूंठ है, पान का पत्ता है, शहद है, गुड़ है, ये सभी कफनाशक हैं। कितनी उम्र के बच्चों को त्रिफला दिया जा सकता है? अगर छोटे बच्चे हैं तो त्रिफला ना देकर आंवला दीजिए, और त्रिफला देने का समय अगर शुरू कर रहे हैं बच्चों को तो थोड़ा 3-4 साल हो जाने दीजिए उनका, 3-4 साल के पहले दे सकते हैं तो आंवला दीजिए। और वैसे तो मेरा कहना है 14 साल की बच्चों को आंवला ही अच्छा है, त्रिफला उनको ना ही दें, त्रिफला एक उम्र के बाद ही सबसे अच्छा होता है। बहुत अधिक उम्र में घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, तरीका मैंने वही बताया, चूना सबसे अच्छा है, अधिक उम्र में चूना सबसे अच्छा अर्थराइटिस के लिए, घुटनों के दर्द, एड़ी का दर्द और कोहनी का दर्द तो ऐसे ही मिट जाएगा जब पानी घूट घूट पीने लगेगी। जल्दी भूल जाए, स्मरण शक्ति कम हो, गाय का घी नाक में डालना सोते समय, नींद जल्दी ना आए तो क्या करना, गाय का घी नाक में डाल के सोना। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आया, वो पहले दिन का जो मेरा व्याख्यान था कि फ्रिज का क्या करें, तो मैंने तो बोला था कि ये बंद कर दें। अगर आपका दिल नहीं मानता बंद करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना, हिंदुस्तानियों में एक बुरी आदत है कचरे को इकट्ठा करने की, घर में डिब्बे डिब्बे इतने इकट्ठे रहते हैं, तू पड़े रहते हैं, फेंकते नहीं, हमें हमेशा ये सोचते कभी काम आएंगे, कभी काम आएंगे, तो ये चक्कर घुस गया। अब पता नहीं ये अंग्रेजों के समय से आया या पुराना, तो फ्रिज भी वैसी ही कोई चीज है। तो एक बहन ने या किसी ने सवाल ये लिख के भेजा है कि फ्रिज में से हमने सब्जी निकाल के 48 मिनट रख दी तो अब उपयोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। उसको शायद ये बात अच्छे से समझ में आई, वो 48 मिनट का जो किस्सा मैंने बताया ना, तो वो चाहती नहीं है कि फ्रिज घर के बाहर जाए, किसी तरह इसका उपयोग होता रहे। तो ये मजबूरी का खेल है, लेकिन कर लीजिए कि आप कुछ भी जो रखा है फ्रिज में, अगर उसको पकाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो निकाल के 48 मिनट रख दीजिए, फिर उसका उपयोग कर लीजिए सब्जी के रूप में। नहीं तो एक चीज मत करिए कभी भी, कोई भी चीज एक बार गर्म करके आपने फ्रिज में दी तो दोबारा गर्म मत करिए, वो दूध हो या सब्जी हो या दाल हो, करिए ही मत। क्या करना, निकाल के रख दीजिए, 48-50 मिनट रखी रहे, वो अपने आप थोड़ी गर्म हो जाएगी प्रकृति की गर्मी से, फिर वही खा लीजिए। गर्म तो दोबारा बिल्कुल मत करिए, फ्रिज के दूध को दोबारा गर्म कभी मत करिए, फ्रिज की दाल को दोबारा गर्म कभी मत करिए, फ्रिज की सब्जियों को दोबारा गर्म मत करिए। चटनी भी फ्रिज में से निकाल के रख के खाइए, दही भी फ्रिज में, दही रख देते हैं 48 मिनट रखा रहने दीजिए, फिर आप उसका उपयोग करिए, तुरंत निकाल के और छाछ बना के वो बिल्कुल मत करें। मेवा खाना चाहिए कि नहीं, सूखा मेवा जरूर खाइए, ड्राई फ्रूट्स आप जरूर खाइए, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स आपके लिए अनुकूल है, आप जहां रहते हैं वहां के हिसाब से मैं कह रहा हूं, सबसे अच्छा बादाम आपके अनुकूल है, आपके अनुकूल काजू नहीं है, बादाम बहुत अनुकूल है मद्रास में रहने वालों को, काजू अनुकूल है जम्मू कश्मीर में रहने वालों, तो बादाम भरपूर रखते हैं। और जो दूसरी चीज अनुकूल है, मुनक्का, किशमिश, किशमिश और मुनक्के में थोड़ा अंतर है, बड़ी किशमिश को मुनक्का, तो मुनक्का और किशमिश ये आपके बहुत अनुकूल है, बादाम आपके बहुत अनुकूल है, मखाना 50-50 है, ज्यादा अनुकूल तो बिहार उत्तर प्रदेश वालों को है, और थोड़ा चले तो झारखंड वालों को, आपके लिए 50-50, ना बहुत प्रतिकूल है ना बहुत अनुकूल है, बीच का है। और बाकी जो अखरोट वगैरह है ये आपके अनुकूल नहीं, अखरोट खाना चाहिए हमेशा ठंड में रहने वाले लोगों को, आपके लिए अखरोट बिल्कुल अनुकूल नहीं। और ड्राई फ्रूट्स क्या खाते हैं आप? चिरौंजी क्या कहते हैं उसको, जो चिरौंजी है वो आपके लिए अनुकूल है, चेन्नई के आसपास के लोगों के लिए अनुकूल है, वो आप खा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट शायद इसके आगे हैं, हाँ केसर अगर आप खाएं, वैसे तो औषधि है ड्राई फ्रूट नहीं, लेकिन ये 3 महीने के आगे नहीं खा सकते, नवंबर दिसंबर जनवरी, और दूध में मिला के मिश्री पिस्ता 50-50 है। अंजीर बहुत अनुकूल है सिर्फ एक ही किस्म के लोगों के लिए, इसको मैं आपको कहता हूं, जरा ध्यान से सुनो, जिनको शरीर में शक्ति की कमी लगती है,
शक्ति की कमी लगती है, ताकत कम है, शक्ति कम है, उनके लिए अंजीर बहुत फायदे की है। लेकिन जिनको पहले से ही ताकत है वो ना खाएं इसको। चेंदारू क्या होता है? एप्रिकॉट। हाँ, एप्रिकॉट आपके लिए ठीक है, आप खा सकते हैं एप्रिकॉट। सुबह का पानी तांबे के बर्तन का पी सकते हैं जिनको कब्जियत की बहुत तकलीफ है, लेकिन शरीर में तांबा ज्यादा हो तो वो नहीं पिए। लेकिन सबसे अच्छा जो सम पानी माना जाता है, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, सादा बर्तन का, माने वो पीतल के उसमें रखा हुआ या कांसे के उसमें रखा हुआ, नहीं तो स्टील में रखा हुआ, गर्मी के दिनों में घड़े का।